First blood. First blood. First blood. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बहुत से फ्री फायर के न्यू प्लेयर्स हैं और बहुत लोगों का एम स्ट्रोक प्रॉब्लम है। रिसेंटली मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि यार एम स्ट्रोक प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत का सच्ची में बहुत लोगों का एमुलेटर पे एम स्ट्रोक प्रॉब्लम आता है। तो आज की वीडियो में यार मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स बताऊँगा इसको रिजॉल्व करने की। अगर आपकी पहली ट्रिक नहीं वर्क करती तो सही है, दूसरी नहीं ट्रिक वर्क करती तो कोई बात नहीं, आप तीसरी ट्राई करो, तीसरी नहीं वर्क करती तो एक ट्रिक ऐसी बताऊँगा कि वो एप्लीकेबल होगी। आप कोई भी एमुलेटर कर लो, कुछ भी कर लो तो उस पर आपका एम स्ट्रोक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले यार मैं ट्रेनिंग में जाके बता दूं आपको कि ये जो एम स्ट्रोक प्रॉब्लम है होता क्यों है, और उसके बाद फिर मैं बताना शुरू करता हूं आपको कि किस तरह इसको रिजॉल्व किया जाए। तो बहुत ईजी है यार, मैं इस पर पहले दो दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ लेकिन दोबारा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही, बहुत से न्यू प्लेयर्स आए फ्री फायर में और पुरानों को भी अभी तक मसला हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा वीडियो बना के सारे एमुलेटर्स का एक ही बार मैं कवर कर देता हूँ। तो आई होप यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर हुई तो ज़रूर लाइक करना। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में हूँ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्यों एम स्ट्रोक प्रॉब्लम होता है। अगर आप देख सकते हो मेरे राइट पे ये फायर बटन है और हम ये इजीली मूवेबल फायर बटन है फ्री फायर में, जिससे हम ड्रैग शॉट्स मारते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको जब आप शूट करते हो अपने माउस से तो आपका इस तरह ये मूव नहीं करता और ये सिर्फ इस तरह सिर्फ शूट होता है और आप शूटिंग के साथ मूव नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है कि ये मतलब आप शूट करते हो और साथ ड्रैग नहीं हो पाता क्योंकि वो मिडल में स्टक हो जाता है। तो उसका क्या हल है वही मैं बताने लगा हूँ। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। और यार गाइस सबसे पहले मैं यार आपको वो ट्रिक बताता हूँ, मतलब वो तरीका बताता हूँ जिससे आपका कभी भी एम स्ट्रोक प्रॉब्लम नहीं होगा। ये स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए हैं जिनने फ्री फायर अभी शुरू किया है और वो एम स्ट्रोक प्रॉब्लम नहीं चाहते अपनी गेम में और गेम प्ले स्मूथ करना चाहते हैं, ये उनके लिए। तो गाइस ये बहुत ही इजी है, आपने क्या करना है मैं आपसे आपको दिखा देता हूँ अपने एल डी प्लेयर पे। तो आपने जाना है अपने सेटिंग्स में, कंट्रोल्स में, कस्टम एच यू डी, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपनी की मैपिंग खोल लो और देख सकते हो यहाँ पर मेरा की मैपिंग पे यहाँ पर है। तो ये टेक्निक भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हर एमुलेटर में एम स्ट्रक प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या करो, अपने जो फायर बटन है इसको उठा के इस वाले फायर बटन पर ले आओ जो मूवेबल नहीं है, ये मूवेबल से उठा के आप इस पर ले आओ तो ईज़िली आपको हर दफ़ा मतलब कभी भी आपको मसला नहीं आएगा एम स्ट्रक का। ये उसके उस सूरत में बता रहा हूँ कि जब आपका एम स्ट्रक का प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हो रहा तो आप ये कर लो तो आपका कभी भी एम स्ट्रक प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, मैं इसको राइट पर रखना चाह रहा हूँ। तो राइट पर लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि राइट पर रखने से थोड़ी ड्रैग शॉट ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह हम राइट पे ही रख के एम स्ट्रक प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हुए जिस तरह मैंने रखा और मेरा कभी भी ब्लू स्टैक्स में एम स्ट्रक प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि मैंने उसको एक ख़ास जगह पे रखा है। तो गाइस ये हर एमुलेटर की ख़ास जगह फ़र्क है, ब्लू स्टैक्स में फ़र्क है, गेम लूप में फ़र्क है, MSI में ब्लू स्टैक्स की तरह है और ये इसमें LD प्लेयर में भी फ़र्क है। तो गाइस इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यार एम स्ट्रक रिजॉल्व करने का एक और बड़ा हल ये है कि आप एमुलेटर वर्जन उसको चेंज करो। तो गाइस एमुलेटर वर्जन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो पुराने एमुलेटर वर्जनस हैं उनमें एम स्ट्रक प्रॉब्लम नहीं है, जो काफ़ी पुराने हैं। अब ब्लू स्टैक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ वर्जन है 4.90.0.1046 और दूसरा वर्जन है जिसमें एम स्ट्रक नहीं है वो है 4.100.20.1001। तो आप इन दोनों में से कोई भी ये यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत से पुराने वर्जन हैं जिनमें एम स्टक नहीं है लेकिन ये वो वर्जनस हैं जो मैं यूज़ कर चुका हूँ और जिन पे मैं ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस किया कि एम स्टक प्रॉब्लम नहीं है। आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। इस MSI ऐप प्लेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो 4.8 और बाकी गेम लूप और LD प्लेयर के लिए भी पुराने वर्जनस में एम स्टक प्रॉब्लम मिनिमम है। लेकिन गाइज मैं आपको अभी ब्लू स्टैक्स, LD प्लेयर
और गेम लूप का बता देता हूँ कि किस तरह आप उसको हर वर्जन में आप उसको एम स्टक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइस इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एलडी प्लेयर के लिए बताई है, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने ये एक वीडियो हाउ टू डू ड्रैग हेड शॉट्स इन गेम लूप, तो इसमें जो मैंने कस्टम एच यू डी और आपको मैंने सेटिंग्स बताई हैं कस्टम एच यू डी और एमुलेटर की मैपिंग, तो गाइज आपने वही सेम कर लेनी है इस वीडियो में। देख सकते हो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और यहाँ पर एल डी प्लेयर वाली में भी मैं यहाँ पर आपको दो मिनट दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइज यहाँ पर भी मैंने बताया है। तो आपने सिर्फ इसी तरह इसको की मैपिंग और कस्टम एच यू डी को रखना है तो आपका गेम लूप और एल डी प्लेयर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्लू स्टैक्स की। तो ब्लू स्टैक्स के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर भी, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी की मैपिंग दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आपने कस्टम एच यू डी में जाना है और अपना जो एम है उसको बिल्कुल साइज उसका 10 कर देना है। और यहाँ से अब मैं आपको की मैपिंग भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये आप अपना जो की मैपिंग का माउस है आप इसको इस पोजीशन में रखोगे तो आपका एम स्टक प्रॉब्लम नहीं आएगा ब्लू स्टैक्स में, स्पेशली उन वर्जन्स की मैं बात करूँ जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक और एमुलेटर जिसका नाम है स्मार्ट गागा का। स्मार्ट गागा के लिए बेस्ट वर्जन जो है वो है 3.1। तो गाइस आप वहाँ से वो भी यूज़ कर सकते हो और कोई और पुराना स्मार्ट गागा का वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थी 3-4 ट्रिक्स जिसको आप यूज़ करके इजीली एम स्टक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो एम है फायर बटन है की मैपिंग का उसको राइट पे भी ना लेफ्ट पे भी ना लेके जाऊं और कोई पुराना वर्जन भी ना यूज़ करूं, तो उसका एक और हल है कि आप कोई भी क्लासिक ट्रेनिंग में जाओ और अपना की मैपिंग और कस्टम एच यू डी को चेंज करते रहो। और एक पॉइंट आएगा, कोई एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर आप मतलब आपका एम स्टॉक प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हो और वो बहुत इजी है और उसकी वजह से आपका एम स्टॉक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जो मैंने तरीके बताए हैं और जो मैंने वर्जन बताए हैं अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये गारंटीड है। और उसमें जो मैंने फर्स्ट पे ट्रिक बताई थी कि आप अपना फायर बटन लेफ़्ट पे ले जाओ, वो भी जो नए प्लेयर्स हैं मैं रेकमेंड करूँगा सारे वो यूज़ करें, बहुत ही हेल्पफुल है। तो गाइस इतना ही था जो मैं अभी क्लिप्स दिखाने लगा हूँ, वो ज़रूर देख के जाना और वीडियो को यार लाइक कर लो अगर तो अच्छी लगी, अगर हेल्पफुल हुई तो लाइक करो, नहीं है तो डिसलाइक कर दो, ये आपकी मर्ज़ी है। और सब्सक्राइब कर देना यार क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह की मैं अभी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ बनाऊँगा नेक्स्ट मंथ। तो अगर तो सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर वीडियो पहुंच जाएगी और गारंटी आपकी गेम एमुलेटर पे अच्छी हो जाएगी। तो सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लिप्स देख के जाना। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। Yo, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feel my pain. I don't wanna switch my lanes because I think I'm gonna stay. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Don't trust your friends. Tell me why they sending pictures. They don't wanna take your place. Solo me, I know you're gonna ask me where I've been. Your love, I'm tryna love you back, but I don't have time. I don't even text. I was on the road. I don't ever rush. She's staring at me, just looking obsessed. I don't ever look back. I don't ever care. Make my money, I wanna invest. She's so surprised that I never had sex. Yes and now pass my test. Even if I don't, I would never confess. She, I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid.
I came up from the gutter, had nothing. I came up with my brothers, I'm ballin'. Now FaceTime, little shorty, I'm calling. I cut her off cause I can't afford to fall in love. New chain, diamonds going retarded. My old whip was a bike, it's a farthing. Now FaceTime, little shorty, I'm calling. I cut her off cause I can't afford to fall in love. I ain't had no choice, I had to get rich. I came from ducking the law to living lavish. Now it's suicide doors with a bad bitch. I've been thanking the Lord that I ain't average. Cause he let me struggle, now turn me to a savage. Playing with them tools could have me in a casket. Now a nigga up, fuck a bag, got a basket. They send it in a package, yeah. I came up from the gutter, had nothing. I came up with my brothers, I'm ballin'. Now FaceTime, little shorty, I'm calling. I cut her off cause I can't afford to fall in love. New chain, diamonds going retarded. My old whip was a bike, it's a foreign. Now FaceTime, little shorty, I'm calling. I cut her off cause I can't afford to fall in love. And now I'm on a roll, with the phones winding down the road. And my mama keeps asking me when I'm coming home. Sorry moms, I'ma see you right after I get this door. And you gon' get a bag, Asia get a crib. And you gon' get a jack, Pops gon' get that ass. We get half a drag. I lay up in the studio till I get a stack. For all the love that you gave me, time to pay it back. Cause you were there for me when I needed you. You believed in me. You showed me love and you never faltered. You never asked for me. Kept it 100, never a liar, never cared for me. That's why I'ma struggle for my day ones. But my fucking words, you can quote this as my theme song. Started from the